रॉकी हाँ माया, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? क्या पता नहीं, इसे प्रॉब्लम कहो या कुछ और। मतलब कन्हैया के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। वो बहुत अमीर है रॉकी। What? उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी कार्स है, बंगलो है, पेंट हाउस है, बहुत कुछ है। अरे माया तुम क्या कह रही हो, वो ठहरा एक मामूली सा नौकर कन्हैया सर्विस सेंटर का। नहीं, वो सब हम लोगों के आँख में धूल झोंकने के लिए है रॉकी। धूल झोंकने के लिए? हाँ, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? डाली में इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारा भी इंटरेस्ट है और मेरा भी। और एक चीज है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। क्या? जानकी प्रसाद चौधरी की प्रॉपर्टी पर। मैं रुको रुको रुको, मुझे सोचने दो। मुझे पता है कि तुम्हारी नजर प्रॉपर्टी पर है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कन्हैया इतना अमीर है तो उसकी नजर प्रॉपर्टी पर नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो है कौन? तुम ना बहुत नादान हो रॉकी। वही तो है, संध्या जी का बेटा। अरे माया तुम क्या कह रही हो, वो संध्या मौसी का बेटा है। एक चोरी के जुर्म में उसे उसे जेल भेजा गया था। चोरी के इल्जाम में? हाँ, वो रिहैब सेंटर में था और वहां पे मैं भी थी। फिर उसने जाके सब कुछ पुलिस को बता दिया और पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। अगर उस दिन उसने वो गवाही नहीं दी होती तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता, समझे? अरे हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर वो कन्हैया अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? क्योंकि क्योंकि उसके माथे पे जो चोर का दाग है ना, वो मिटाने के लिए। लेकिन उसके पास इतने पैसे कैसे आए? वही तो मेरा भी यही सवाल है, इतना पैसा उसे उसे मिला कहाँ से? ओके, सो दिस इज द कैश, इसे पेमेंट कर देना और बाकी के पेमेंट्स मैं डायरेक्टली चेक में कर दूंगा। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू सर। सर, आपने जो बच्चों के अनाथ आश्रम के बारे में बताया था, वो प्लान तैयार हो गया। दैट्स ग्रेट। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वहाँ वो सारे बच्चे रहेंगे जो बेकसूर है लेकिन कसूरवार की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना बचपन खो रहे हैं मेरी तरह। सर हाँ, कुछ नहीं, गो अहेड। सर कल दोपहर की मीटिंग? सर ओ यस, कल सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। इनफैक्ट जस्ट शिफ्ट देम टू डे आफ्टर। ऑलराइट। क्यों, क्या हुआ सर? कुछ खास है, अपनी जिंदगी से मिलने जा रहा हूं मैं। आपकी जिंदगी? वो कौन है सर? है कोई, एक लड़की है। सर बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत प्यार करता हूं। न जाने कितने सालों बाद मैं मिलूंगा उससे कल, कितने सालों बाद। सर लेकिन वो है कौन? वो मेरे बचपन की दोस्त है, मेरी साथी है, मेरा यार है, मेरा प्यार है। हेलो, यस स्पीकिंग। ओ यस 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 जी, आप फिक्र मत कीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा। जस्ट मेक श्योर द वर्क इज डन। इस सोसाइटी के बच्चों को खुश देखना चाहता हूं मैं। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट सर। नो, प्लीज, आई एम नॉट ग्रेट, बट यस गॉड इज ग्रेट एंड माय लव, She's great. उसके प्यार ने ही मुझे आज तक जिंदा रखा है, उसके प्यार ने ही मुझे एक चोर से
कहां से कहां पहुंचा दिया उसके प्यार ने मुझे। एनीवे बहुत होगी पर्सनल बातें, लेट्स गेट टू वर्क, कम ऑन। थैंक यू। छोटी मालकिन आप आ रही है मेरी जिंदगी में, आइए मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, आइए। आई लव यू रॉकी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए तो मैं ये सब जाल बिछा रही हूं। अगर सब कुछ सही चला ना तो हम लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे और फिर उस कन्हैया की लाश को चील कौओं को खिला देंगे। आई प्रॉमिस। लेकिन कैसे? आगे आगे देखो होता है क्या, एक बार और सोचकर देखो तुम, एक बार। अरे तुम्हारे अपने घर गृहस्थ है, तुम्हारा पति है पति, ये सब छोड़कर तुम दूसरे प्रेमी के पास चले जाओगे? हाँ? अरे अरे तुम तो अपने पति को धोखा दे रही हो, धोखा। हाँ? धोखा? किस बात का धोखा? मेरे पति को पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, मेरे पति को पता है कि परिवार की इज्जत को बचाने के लिए हम दोनों ने शादी की थी, मेरे पति को पता है कि मैं कभी उसकी हो नहीं सकती, कभी नहीं। और तोहर ये भी पता है कि मैं उससे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ, वही मेरी जिंदगी है, मेरी मौत है, मेरा सब कुछ है, सब कुछ। इतना प्यार ना मैंने किसी से किया और ना कभी कर पाऊंगी। इसका मतलब कि तुम आज मेला में जाओगी ही? हाँ हाँ जाऊंगी, जाऊंगी मैं। हेलो, मैं मेले में आपका इंतजार करूंगा और आपको मुझे पहचानना भी होगा। हाँ, हाँ मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं। तुमने जब बुलाया है तो कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, आधी तूफान आ जाए, फिर भी मैं आऊंगी। बचपन से ही तुम्हारे ख्यालों के साथ बड़ी हुई हूं मैं, मेरा सपना, मेरा सच, मेरा प्यार सब तुम ही हो, सिर्फ तुम। और हाँ, मेरे दिए हुए कपड़े ही पहन कर आइएगा, इतनी सज धज के आइएगा कि आपसे किसी की नजरें ना हटे। आऊंगी मैं, सज धज के आऊंगी, आऊंगी मैं। क्या हुआ? उसने कहा मेले में जाने के लिए और कहा कि मुझे पहचान लेना। पर कैसे कैसे पहचानोगे तुम उसे? हाँ, वो मेरे आसपास रहेगा, तुम्हें जरूर पहचान लूंगी, पक्का पहचान लूंगी मैं। हाँ मैं जरूर पहचान लूंगी, मुझे मुझे सजा दोगी? हाँ मुझे अच्छे से सजा दो ना, जैसे जैसे राधा गई थी किशन से मिलने, ठीक वैसे ही मैं भी जाऊंगी मेरे किशन के पास। सजा दो ना मुझे, दो ना। कन्हैया कहाँ है?